हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्रियन चकली रेसिपी। महाराष्ट्रियन चकली रेसिपी के लिए हमें चाहिए, ये मैंने 1 kg राइस लिया है, 1/2 kg मैंने चना दाल लिया है, 1/4 kg मैंने उड़ीद दाल लिया है और 1/4 kg मैंने मूंग दाल लिया है। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से 3-4 बार पानी से वॉश करके रात भर ड्राई होने के लिए रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे 3-4 बार वॉश करके लिया है। अब हम इसे कॉटन के कपड़े के ऊपर 10-12 घंटे के लिए सुखा लेंगे। तो अभी मैं इसे सुखाने के लिए डालती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमने चावल भूनने के लिए रखा है, इसे हमें हल्का सा भूनना है। कल रात को हमने राइस और दालें दोनों अच्छे से वॉश करके ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए रखी थी। रात भर उसे हमने अच्छे से सूखा लिया है। अब हम इनको हल्का सा भून लेते हैं। चावल को थोड़ा सा अच्छे से भून लिया है, अब हम इन्हें निकाल देते हैं। और ये दाल, चना दाल इसमें डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चना दाल भी हमारी भून के हो चुकी है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। अब हम ये मूंग दाल इसमें डालेंगे और इसे भी 2-3 मिनट के लिए भून देंगे। ये हमारी मूंग दाल भी अभी भून चुकी है, हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। और ये उड़ीद का दाल हम इसमें डाल देंगे। इसे भी हमें 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। ये हमारी उड़द दाल भी अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून के हो चुकी है, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। ये हमारा धनिया और जीरा भी भून के हो चुका है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे भी ये दाल और चावल के साथ मिला लेते हैं। अब हम आगे इसे हमें चक्की में से पीस के लाना है और इसका भाजने का जो आटा है वो बनाना है। ये सब दाल और चावल जो हमने भून के लिए थे, जिसे हमने चक्की में से पीस लिया है, और ये भाजने का आटा बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे चकलियाँ बनाएंगे।